थी दम लगा के एक्शन कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट एडिट होने वाली है इट विल बी रिलीजिंग नेक्स्ट ईयर आई थिंक मेरा मेंटोर दो हैं एक सुजीत सरकार हैं दूसरे आदित्य चोपड़ा हैं आई थिंक बेसिक विजडम डिस्पाइट आई थिंक टैलेंट के अलावा अगर आप में थोड़ी सी विजडम है कि आप चॉइसेस ठीक रखें या फिर अपना माइंड थोड़ा सा सेम रखें आपको किस तरह बिहेव करना है पब्लिक में वो आना चाहिए आई थिंक ये दो तीन छोटी चीज़ें होती हैं आपकी अपब्रिंगिंग पर डिपेंड करती हैं आई थिंक वो बहुत कम आती है थैंक यू थैंक यू सो मच Listen, were you roaming around in Times Square in New York or somewhere? I think I saw you, but it was raining, so I was like, I'm not going to meet you. Okay, listen, Parvati. Seems like you're bringing sexy back. Yehi mera plan tha. Yehi mera plan tha. Thank you. I hope that's a compliment. Of course it is. You've been working out a lot, right? But I want to say, I've been working out a lot, huh? Because there is a story, Parvati, ki aap apne weight ko lekar bahut zyada conscious ho rahe hain and bahut zyada work kar rahe hain apna wazan kam kar rahe hain Okay, I'm looking slender. और नहीं actually मैं बहुत time से बोल रही हूँ कि मुझे 2 साल हुए हैं और मेरा पूरा पहला साल इसी में बीता कि अरे अच्छे कपड़े नहीं पहनती और ये अपना weight नहीं कम करती तो मैं बहुत परेशान हो गई थी उससे क्योंकि मैंने कहा आप मेरी acting के बारे में अच्छी बातें कहते हैं आप मेरे कपड़ों के बारे में भी कहें तो मैं उससे परेशान हो गई तो मैंने कहा अब मैं fashion में interest लेने वाली हूँ और मैं वजन कम करने वाली हूँ तो I think वो शायद थोड़ा थोड़ा दिख रहा है अब यस आलिया इज माई जिम ट्रेनर वो खुद मुझे ट्रेनिंग करवाती है जिम में नहीं नहीं नॉट एट ऑल बॉलीवुड बडी तो क्या चीज आप देख रहे हो जब न्यू कमर्स आपके सामने आते हैं परफॉर्म करते हैं तो क्या क्वालिटीज़ आप उनमें देख रहे हो? You know, actually मुझे बहुत अजीब लगा था पहले दिन शूटिंग पे क्योंकि मैंने कहा मैं कौन से एक्सपीरियंस से जज बन गई यू नो क्योंकि आपको हमेशा अजीब लगता है कि आप किस औकात से आप जज बन रहे हैं तो मैंने जब पहला कंटेस्टेंट देखा तो मैंने इंस्टिंक्टिवली अपनी पर्सनल एडवाइस दी कि यू नो मुझे ऐसा लगता है अगर आप सेट पे ऐसे होते तो आप ऐसे करते ऐसे एंड उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे जज बनने की ज़रूरत नहीं है यू नो आई कैन जस्ट बी कि जैसे उन्होंने मेरे एक रूम में उनको मुझे दिखाया कुछ करके और मैं उनको एडवाइस दे रही हूँ यू नो तो आई थिंक उस औकात से आई थिंक मैं उनकी दोस्त हूँ जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उनके हिसाब से मैं उनको एडवाइस दूँगी बस Star daughters and star sons just making their entry in the Bollywood. Yes. Sorry, please thoda silence rakhiye. Yeah. Thanks. So do you think that Bollywood is just getting Bollywood getting a bias like to the star sons and daughters? No, not at all. I don't think so. Because you know, I think जो लोग actors नहीं हैं या जो लोग industry से नहीं जुड़े हुए, उनको लगता है अरे ये तो उसकी बहन है और ये तो उसके बाद है तो उसको तो film मिल गई होगी. ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो डायरेक्टर होता है और जो प्रोडक्शन हाउस होता है वो आप में इन्वेस्ट करता है तो आजकल तो बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आप किससे रिलेटेड हैं क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो खुद डिसीजन लेता है वो जो डायरेक्टर है वो खुद डिसीजन लेता है कि आप कैरेक्टर के लिए सही हैं या नहीं तो आई डोंट थिंक कोई बायस है एट ऑल आई थिंक वो लोग भी उन लोगों को ही लॉन्च कर रहे हैं जिनको जो उनकी फिल्म को कोई फ़ायदा करें जो ऑडियंस को पसंद आए आई डोंट थिंक कोई बायस मुझे ऐसा लगता है नो दैट्स अनट्रू ये झूठ है हाँ वाई श्रद्धा वक्त मिस्टर बच्चन ऑल्सो नो